ये देखिए भाई माशाल्लाह, ये है मलेरकोटला की मशहूर ईदगाह। ये शाही ईदगाह है मलेरकोटला की। ये बराबर में इसके ट्रेन भी जा रही भाई, और ये एक बहुत तारीखी मकाम है मलेरकोटला का। हम आज यहाँ आए हैं घूमने के लिए। अब हम इंशाल्लाह इसके अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ के नज़ारे, कितने हसीन नज़ारे हैं, कितनी खूबसूरत ईदगाह हैं। ये देखिए भाई, ये हम छोटे गेट से एंटर हो गए, बड़ा गेट बंद है। ये देखिए भाई कितनी खूबसूरत ईदगाह है माशाल्लाह। ये देखिए पार्क, कितने शानदार शानदार पार्क। ये देखें ये भाई यहाँ की मशहूर शाही ईदगाह मलेरकोटला की। ये देखिए कितनी खूबसूरत ईदगाह है, कैसे पार्क। हम आपको एक बोर्ड भी दिखाएंगे, बोर्ड लगा हुआ है भाई, किस चीज़ का बोर्ड है ये देखेंगे हम, पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि जब कहीं नई जगह आते हैं तब तक उस चीज़ के बारे में कुछ पढ़ते नहीं है तो पता नहीं चलता है। ये देखिए ज़रूरी तला लिखी है इस पर, ईदगाह रब का घर है, इसमें बेअदबी करने वालों के साथ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। ईदगाह में सफाई का ध्यान रखना चाहिए, कागज़ लिफाफे डस्टबिन में फेंके, बीड़ी सिगरेट पीना सख्त मना है, ईदगाह में रेडियो मोबाइल बजाना सख्त मना है, फूल और पौधों को छेड़ना सख्त मना है, ईदगाह में साइकिल स्कूटर जाना मना है, ईदगाह में खेलना कूदना मना है। बहुकुमे सदर इंतज़ामिया कमेटी ईदगाह रजिस्टर्ड मलेरकोटला। अच्छा जी ओफो, ये देखिए ये संगे बुनियाद किसने रखा था, इसका संगे बुनियाद रखा नई मस्जिद ईदगाह शहर मलेरकोटला 10 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ जुमातुल मुबारक 23 दिसंबर 1966 बदस्त इज़्ज़त महाब नवाब इफ्तखार अली ख़ान साहब ऑफ मलेरकोटला रखा गया। तामीर करदा इंतज़ामिया कमेटी मस्जिद ईदगाह मलेरकोटला। ये भाई इसका यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए कितने शानदार पार्क बने, कितनी खूबसूरत ईदगाह बनी हुई है। ये देखिए आप, ये देखिए, और बराबर से यही ये ट्रेन निकल रही है। यहाँ रेलवे फाटक भी बराबर से जा रही है। जगह जगह छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं, एक ये है, एक वो फिर बीच में है जहाँ पे ईद के दिन मौजिन खड़ा होता है, वो वहाँ सामने आप देख रहे हैं। काफ़ी बड़ी ईदगाह है माशाल्लाह। ये देखें, ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी बड़ी ईदगाह है। हम आपको दूर से ही मिंबर दिखाने वाले हैं, एक वहाँ पे मौज़िन की जगह है और एक यहाँ पे है। ये अब्दुल कादिर है, ये लड़का बहुत छोटी उम्र में बहुत लंबा घूमता है। ये जब भी सफ़र का नाम लेते हैं ना तो ये भागने लगता है घर से कि मैं पहले जाऊँगा, चाहे इसको टायर से लिपट के जाना है लेकिन जाएगा ज़रूर। ये देखिए, ये देखिए इधर कितनी खूबसूरत, ये फुहारे बंद है भाई आज यहाँ के, ये फुहारे बंद है वरना फुहारे चल कितनी खूबसूरत लगती होगी। अब हम आ गए बिल्कुल फ्रंट पे, वहाँ पे इमाम खड़े होते हैं, इमाम साहब। ये देखिए ये अजान हो रही है मस्जिद जो बाहर है, ईदगाह के मेन गेट के बाहर जो मस्जिद है उस मस्जिद में अजान शुरू हो गई। इधर बहुत लंबी छोड़ी ईदगाह है भाई, थक जाएंगे ऐसे घूमते हुए तो। इधर बराबर में ये किसी का मज़ार है, हम उसमें जाएंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे। इधर का ये पार्क, ये हाँ इसमें ये दुबड़ा शायद नया लगा है, वो पुराना हो गया। और इसी तरह बिल्कुल नक्शा दोनों साइड बराबर है, आगे पीछे सारी जगह नक्शा बिल्कुल बहुत अच्छे से नक्शा बनाया गया है। तो भाई आज हम मलेरकोटला में आए थे शाही ईदगाह, तो हमने सोचा कि हम अपने भाइयों को अपने दोस्त अहबाब को भी दिखाएं, इसलिए हमने वीडियो बनाई कि तारीख़ी मकामात की वीडियोस होनी चाहिए। कुछ लोग अगर नहीं आ सकते वो मोबाइल में ही देख ले। और ये हमारे शागिर भाई हैं, देखो ये जो जहाँ जाते हैं ना बस वीडियो बनाने का काम है इनको, और कुछ नहीं करते, वीडियो बनाने का काम है इनका। देखो जी अब हम करीब आ गए यहाँ जहाँ पर इमाम साहब खड़े होते हैं, यहाँ पर अब हम आपको इमाम साहब की जगह दिखाते हैं।
ये इमाम साहब का मिंबर है और यहाँ पे इमाम साहब खड़े होते हैं। और ये देखिए, ये बारिश रात हुई है या ये शबनम का पानी है, ओस का पानी, ये तो नहीं मालूम हो सका क्योंकि हम अभी पहुँचे हैं, दिन के तकरीबन 12 बजे हुए हैं। ये हम आपको पूरा चारों तरफ का अराउंड दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल मिंबर के बिल्कुल जस्ट सामने फवारे लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने हमें बताया कि वज़ू खाना भी है, लोग यहाँ पे वज़ू भी करते हैं और उधर भी वज़ू खाना है अलग से। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत ईदगाह है, बहुत दिल खुश हुआ है यहाँ के। पंजाब की मशहूर शाही ईदगाह मलेरकोटला पंजाब।